गाइस सच में लिटरली इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है जब से मैंने जट भाई का एक्सीडेंट के बारे में सुना है ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। सच में यार बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि जिन लोगों को हम सुनते हैं, जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, उनकी ये कंडीशन देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सच में बहुत ज़्यादा दिल से दुख हो रहा है जैसे जब से मैंने उनकी ये न्यूज़ देखी है, उनको देखा इस हालत में, क्योंकि मैंने हमेशा उनको बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही एक धांसू स्टाइल में देखा है, बट आज इस कंडीशन में देखने के बाद मुझे दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको ठीक करके दोबारा से YouTube पे लेके आए। फिलहाल अभी पता नहीं कंडीशन कैसी है, बट जैसी भी होती रहेगी मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। फिलहाल तो इतना ही मुझे पता चला है जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। अभी लास्ट कुछ दिनों से ही मैंने YouTube शुरू की है और मैं सच में उन्हें इतने ज़्यादा फॉलो करता हूँ उनकी बातों को, वो कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कावासाकी H2 ली है बाइक, और उसको भी लेने के लिए फर्स्ट इंटरनेशनल अपनी ट्रिप पे गए थे नेपाल, दिल्ली टू नेपाल जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हुआ है ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप गाड़ी से निकालने से पहले मॉर्फिन देना। मॉर्फिन? मैं मर जाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा, अंदर खून जम गया शायद। ये लेकिन चल नहीं रहा, अब चल रहा है, मेरा बहुत दर्द है यार। सच में दोस्तों बहुत ही गुड बंदा है अपना जट भाई। यहाँ पर इन्होंने अपनी कावासाकी S2 की ओपनिंग की थी और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिलने वाले यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो भाई है ये विकलांग था, तो जट भाई ने इसको व्हीलचेयर ऑफर की है, बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था ये मिलने के लिए। तो जट भाई ने कहा कि थोड़ी देर रुको, मैं तुमसे वहीं पर आकर मिलता हूँ। तो जट भाई पर्सनली बाहर आए अपने कैबिन से और इस बंदे से मिले और इसको व्हीलचेयर ऑफर की। तो दोस्तों हम सबको मिलकर अपने भाई जट प्रभ जोत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इनकी रिकवरी हो जाए और दोबारा से हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बाइक के आते रहे। थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए, और आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी जट भाई के बारे में पता चले और इनके लिए वो प्रार्थना कर सकें।